बावल पहुंचे राज बब्बर, लोगों से मांगा जीत का आशीर्वाद। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर बावल पहुंचे हैं। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज बब्बर का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गुरुग्राम लोकसभा सीट के कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अभिनेता राज बब्बर लगातार कार्यकर्ताओं और जनता के बीच पहुंचकर बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने इस दौरान कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने बावल के लोगों से जीत का आशीर्वाद मांगा। राज बब्बर ने कहा कि बावल के लोग इस लोकसभा चुनाव में मुझे अपना साथ दें। उन्होंने दावा किया कि इस बार चुनाव में यहां से सांसद बन गया तो बावल क्षेत्र को बहुत आगे तक लेकर जाऊंगा। और मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, पूरी बावल विधानसभा के कार्यकर्ताओं से, सभी अपने आप को राज बब्बर समझे और एक एक गांव एक एक घर में जाए। अब मैं आमंत्रित करूंगा, पहले मैं आपको प्रणाम नमन और नमस्कार करता हूँ। आभार चेयरमैन साहब, आपने जो आशीर्वाद, जो आपने विश्वास दिलाया है, मैं आपको इस बात का विश्वास और यकीन या भरोसे के साथ में कह सकता हूं, मैं वचन देता हूं यहां पर खड़े हुए इस मंदिर के प्रांगण में कि अगर आपका विश्वास मिला तो राज बब्बर आपके बीच में काम करेगा, ये आप यकीन दिलाता हूं। मैं यहां पर मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व में केंद्र से हमारे राहुल गांधी जी, प्रदेश के वरिष्ठतम नेता उपेंद्र हुड्डा जी ने आशीर्वाद के साथ आपके बीच में भेजा। यहां 20 सालों से लगातार एक सांसद जो है वो शायद आपके बीच की समस्याओं का उन्होंने अपने आपके बीच में आकर कहीं भी आपसे बातचीत करके उनको निदान करने का काम नहीं किया। मुझे साथी लोग बता रहे थे जब मैं आ रहा था, बस स्टैंड बन गया है लेकिन न जाने वहां पे एक भी बस का रूट नहीं। यहां पर एक नया न्यायालय बन गया जो यहां से 5 किलोमीटर दूर था, जिसके जाने आने के कोई साधन नहीं। पुरानी तहसील होने के बावजूद यहां पर इस क्षेत्र में लोगों को और परेशानी में डालने का काम किया गया। मैं बस इतना ही कह सकता हूं, आप किसी भी सांसद की कलम की स्याही है, कलम कोई भी ले ले लेकिन आपकी स्याही का इस्तेमाल नहीं करेगा तो कभी यहां पर पनप नहीं पाएगा। और वो स्याही आपकी समस्याओं की, आपकी जरूरतों की, आपकी सुविधाओं के लिए है। मुझे आप मौका दीजिए 25 तारीख को अपने बीच में मुझे बसाने के लिए हाथ के पटे पर बटन दबाकर मुझे कामयाब करने का काम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भी शर्म खा रही है मुझे सुन के, 400 एमरजेंसी सुनने के बावजूद भी यहां पर कोई पॉलिटेक्निक नहीं है। चलिए अभी यहां पर वादा क्या करूं, लेकिन जब कर दूंगा तो तब अपना और एक आशीर्वाद रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।